नमस्कार दोस्तों, मैं भव्य त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूं टेक बियर यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, जब से रेडमी नोट 7 प्रो लॉन्च हुआ है तब से दोस्तों MI A3 की भी लीक्स आना स्टार्ट हो गई है और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोग इसका वेट भी कर रहे हैं। फिर दोस्तों MI A1 और MI A2 दोनों ही काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन थे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा MI A3 के कुछ लीक्स के बारे में, जिसके मुताबिक कुछ इस तरह का ये स्मार्टफोन होने वाला है। दोस्तों अभी ये कौन कौन सी लीक्स है जानने के लिए देखते रहिए वीडियो। सुजेशन टाइम, लेट्स बिगिन। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों उसके साइड वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब दोस्तों बात करते हैं लीक्स की, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कैमराज की। तो यहाँ पर आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है 32 मेगापिक्सल का। और बात करते हैं यहाँ पर रियर कैमरा की, तो यहाँ पर इस बार आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला होने वाला है 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX586 का सेंसर, जो कि दोस्तों अपने आप में ही काफी कमाल का सेंसर है। उसके बाद दोस्तों होने वाला है यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, जो कि दोस्तों अभी मेरे हिसाब से काफी एक बड़ा इंप्रूवमेंट होगा MI A3 के अंदर, क्योंकि अब तक की जो ए सीरीज थी उसके अंदर आपको सिर्फ ड्यूअल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता था, लेकिन इस बार जो है वो शाओमी ने यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा लगा दिया है, जिसके अंदर इंक्लूड किया है 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, जो कि दोस्तों एक काफी बड़ा इंप्रूवमेंट है। दोस्तों बात करते हैं तीसरे कैमरा की, तो यहाँ पे जो तीसरा कैमरा है वो होने वाला है 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से इस बार का जो MI A3 होगा उसके अंदर जो कैमरा क्वालिटी होगी वो काफी कमाल की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। वही हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो इस बार आपको MI A3 के अंदर 6.4 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, एक डॉट नॉच ड्रॉप के साथ में, जो भी दोस्तों दिखने में काफी प्रीमियम लग रही है। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे बेजल्स की, तो ऊपर और नीचे दोनों ही साइड में आपको काफी कम बेजल्स देखने को मिल रही है, जो कि मेरे हिसाब से काफी कमाल का इंप्रूवमेंट है MI A3 के अंदर। उसके साथ में दोस्तों एक और अच्छा अपग्रेड यहाँ पे वो देखने को मिल जाएगा कि आगे और पीछे दोनों ही साइड में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। उसके साथ में दोस्तों जो डिजाइन चलती आ रही है MI A1 A2 के टाइम से, वो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी चेंज होने वाली है MI A3 के अंदर, थोड़ी सी डिफरेंट डिजाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी अगर आप कंपेयर करते हो MI A1 और A2 के साथ में। वही हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो MI A1 में हमको देखने को मिलता था 625 का प्रोसेसर, वही हम बात करते हैं MI A2 की तो उसके अंदर हमको 660 देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे दोस्तों एक इंप्रूवमेंट किया गया है, यहाँ पे MI A3 के अंदर हमको देखने को मिल सकता है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहा है शाओमी यहाँ पे MI A3 के अंदर। मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, काफी एक अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी प्राइस के मुताबिक। अब दोस्तों बात करते हैं सेट लीक की, तो यहाँ पे आपको कोई भी 3.5 mm ऑडियो जैक जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों ये एक सेट लीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं बैटरी की तो इसके अंदर आपको 3500 mAh तक की बैटरी देखने को मिल जाएगी। मेरे हिसाब से दोस्तों उससे ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि MI A सीरीज जो होती है उसके अंदर वैसे भी शाओमी उतनी ज्यादा बैटरी नहीं देता। तो दोस्तों यहाँ पे MI A3 के अंदर भी मेरे हिसाब से 3500 से ज्यादा जो है वो बैटरी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके साथ में यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा चार्जिंग के लिए। उसके साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको कॉलकॉम क्विक चार्ज पोर्ट का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको 5V 2A का चार्जर ही बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आपको फास्ट चार्जिंग करना है तो आपको दोस्तों एक्सटर्नली फास्ट चार्जिंग को खरीदना पड़ेगा। वही मैं बात करूँ वेरिएंट्स की, तो लीक्स के मुताबिक ये सिर्फ एक ही वेरिएंट में आएगा, 6GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। और दोस्तों अगर मैं लॉन्च डे की बात करूँ तो MI A2 आया था जुलाई के अंदर लास्ट ईयर में, और दोस्तों यहाँ पे MI A3 जो है वो शायद आ सकता है जून के महीने के अंदर। बाकी दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे प्राइसिंग की, तो इसकी प्राइसिंग दोस्तों मेरे हिसाब से हो सकती है 17,000 या फिर 16,000 के अराउंड। बाकी दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि अगर ये स्पेसिफिकेशन रहते हैं तो आपके मुताबिक इसकी जो प्राइसिंग है वो कितनी होनी चाहिए। उसके साथ में दोस्तों आप मुझे ये भी बताओ कि क्या आप MI A3 के अंदर इंटरेस्टेड होंगे या नहीं अगर ये स्पेसिफिकेशन रहते हैं तो। दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस वीडियो थोड़ी सेल मिली होगी और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, क्योंकि मैं रखते आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आने वाला हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।